A fresh and warm good morning to everyone. Myself, Kavin Tripathi. I am from the Maths Miracle, and here I am delivering a presentation from my team. My team members are Shunant Devedi, Chitrans Tiwari, and Rona Koja. Today I here to understand a chapter 3, Understanding Quadrilaterals. Good morning, class. My name is Rona Koja. I study in class. My presentation topic is quadrilateral and his property, type of quadrilateral. What is quadrilateral? Quadri matlab four, lateral matlab side. A closed figure with four sides, it is called quadrilateral. Type of quadrilateral. There are five type of quadrilateral. First one is parallelogram. For example, जो पैरेललोग्राम होता है, जो इसकी अपोजिट साइड होती है, दोनों इक्वल होता है. अपोजिट एंगल जो होता है वो भी इक्वल होता है. और जो डायगोनल होता है, एक दूसरे को बैकसाइड करते हैं. और दूसरा होता है रोम्बस. और रोम्बस जो होता है, उसका जो साइड होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है. और जो इक्वल साइड होता है वो इक्वल होता है, और लेंथ इक्वल होता है. और जो डायगोनल होता है, एक दूसरे को बैकसाइड करता है. तीसरा है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का जो चारों साइडों को होता है वो 90 डिग्री का होता है. और जो डायगोनल होता है, एक दूसरे को बैकसाइड करते हैं. अब आता है स्क्वायर. स्क्वायर में भी जो उसका चारों साइड का 90 डिग्री होता है, और उसका. थैंक यू. आई लाइक टू कॉल सूर्यांश त्रिवेदी नेक्स्ट. अ वेरी प्लीजिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल. माय सूर्यांश त्रिवेदी फ्रॉम मैथ्स मिरेकल, एंड आई एम हियर फॉर प्रेजेंटेशन. माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज प्लेन सरफेस एंड प्लेन कर्व. तो फर्स्ट हम समझते हैं सरफेस क्या होता है. सरफेस द पार्ट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड सरफेस. किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जिसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसे सरफेस कहते हैं. देर आर टू टाइप ऑफ सरफेस. फर्स्ट I am going to elaborate topic about plane surface. Plane surface, such a plane surface which are flat, such as floor, wall of the wall, whiteboard or top of the table. Second, हम लोग आते हैं plane curve पे. Plane curve, when you join a number of points without lifting a pencil from a paper, you get a plane curve. Thanks, and I would like to call Kavin Tripathi for next topic. Hello, fresh good morning to again. I am here deliver a presentation. My presentation topic is a polygon. What is a polygon? A figure that is a two-dimensional figure with enclosed and with joining three or more straight lines is called a polygon. Again, I will tell my definition. A two-dimensional closed figure by joining three or more straight lines is called पॉलीगॉन. पॉलीगॉन वो होता है कि जो 2D फिगर और टू डायमेंशनल फिगर जो थ्री और मोर स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करके जो एक फिगर बनता है, ये हो गया थ्री साइड्स और मोर देन थ्री साइड्स, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं. उसके बाद आता है किस बेसिस पे, क्या कहते हैं, जो पॉलीगॉन्स हैं उनको नंबर पे और नेम पे क्लासीफाई किया गया, उनको साइड्स के और उनके वर्टेक्स के. जो थ्री नंबर जो यहाँ पे हम आपको 10 तक बताएंगे. थर्ड जो थ्री नंबर ऑफ साइड्स पे बनता है, उसको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं. हम क्या कहते हैं और कैसे बनाते हैं, हम आपको यहाँ पे सब बताएंगे. पहला आता है ट्राइंगल. जैसे ये बाय ज्वाइनिंग थ्री स्ट्रेट लाइंस, हम लोग थ्री स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करके एक क्लोज फिगर बना दिए हैं, इसको हम ट्राइंगल कहेंगे. थ्री साइड्स क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल ये हो गया, फोर साइड्स है इसमें. फिर आता है पेंटागॉन. पेंटागॉन कैसे बनाते हैं, ये हो गया पेंटागॉन. और इसके बाद आता है हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नोनागॉन और डेकागॉन. और उसके बाद जितने नंबर्स आपके बढ़ेंगे, उसके बाद हम लगाते रहेंगे एनगॉन. थैंक यू. ये हमारा हो गया पॉलीगॉन. किस बेसिस पे क्लासिफाई हुआ था, पॉलीगॉन होता क्या, मैंने आपको बताया. अब आई वुड लाइक टू कॉल चित्रांश तिवारी फॉर रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. थैंक यू. A pleasant good morning to one and all present here. Myself, Chitrans Tiwari,
फ्रॉम द मैथ्स मिरेकल. आई एम हियर टू टेल यू अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स. रेगुलर पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स वो पॉलीगॉन्स होते हैं जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर. स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं 90 डिग्री और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं. और इरेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होते हैं जिसके चारों साइड अनइक्वल होते हैं और उसके साइड्स भी अनइक्वल होते हैं. फॉर एग्जांपल पेंटागॉन. पेंटागॉन का शेप भी अनइक्वल होता है और उसके साइड्स भी अनइक्वल होते हैं. थैंक यू. Thank you, we have done our present. Now please comment, like, subscribe and share our videos. Thank you.